चैप्टर हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट मात्रक और मापन तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो इंपॉर्टेंट है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा पहला प्रश्न देखते हैं लिखा हुआ है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है विज्ञान देखिए हम लोग साइंस तो पढ़ते हैं लेकिन साइंस के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि आखिरकार विज्ञान कहाँ किसको जाता है ठीक है देखिए हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं और उस काम से जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर वो काम कर रहे हैं तो वो हमारा काम कंप्लीट ही हो जाए ठीक है हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कंप्लीट हो भी या नहीं भी हो अगर नहीं होता है तो हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है ठीक है तो उससे जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वही क्या कहलाता है विज्ञान कहलाता है मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में चाहे उसमें हम सफल हों या असफल हों असफल अगर होते हैं तो उससे भी हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं तो मान लेते हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो मान लेते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो लगे होते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो सकता है कि वो कम्प्लीटली ना बन पाए तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कुछ चेंजिंग करके सेकेंड अटैम्प्ट लेते हैं और उसमें वो कंप्लीट हो जाता है जैसे कि आपको पता है कि बल्ब के आविष्कार के लिए एडिसन ने बहुत बार प्रयोग किया तो उन्होंने जितना बार प्रयोग किया होगा सभी प्रयोग में उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इसी को विज्ञान कहते हैं मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विज्ञान कहते हैं ठीक है अब अगर बात कर लें विज्ञान की शाखाएँ की तो विज्ञान की कितनी शाखाएँ हैं तो दो शाखाएँ हैं ठीक है कौन कौन सा तो एक हो जाएगा आपका फिजिकल साइंस ठीक है एक क्या हो जाएगा फिजिकल साइंस और एक हो जाता है आपका बायोलॉजिकल साइंस ठीक है तो फिज़िकल साइंस में क्या होता है कि हम लोग जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ऐसा लाइक एनर्जी ठीक है या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं उन सभी का स्टडी करा जाता है फिजिकल साइंस में बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग खास करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं नेक्स्ट कह रहा है किसी भी राशि के मापन के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है ठीक है तो उसे कहा जाता है मात्रक क्या कहा जाता है मात्रक कोई भी राशि होती है उसको हमको मापने के लिए किसी न किसी माप की आवश्यकता होती है जैसे मान लीजिए कि हम दुकानदार के पास जाते हैं चावल लेने के लिए तो हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोलते हैं कि मेरे को चावल चाहिए हम लोगों को क्वांटिटी बतानी पड़ती है ठीक है तो चावल का जो क्वांटिटी होती है वो हमको बताना पड़ेगा तो एक या दो के जी क्या एक या दो के जी तो हम लोग यहाँ पर एक के जी वोड का यूज़ कर रहे हैं तो ये जो के जी है यही क्या है आपका मात्रक है और किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है एक तो संख्यात्मक मान की और एक मात्रात्मक मान की जरूरत होती है ठीक है तो यह जो किलोग्राम आपका आ रहा है यह आपका क्या आ रहा है मात्रक आ रहा है तो वही कहा गया है कि किसी भी राशि के मापने के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है जिसे क्या कहा जाता है मात्रक कहा जाता है नेक्स्ट है भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है भौतिक राशि ठीक है भौतिक राशि कितने प्रकार के दो प्रकार के होते हैं एक आधारी और एक व्युत्पन्न राशि ठीक है चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आधारी राशि क्या होता है देखिए आधारी राशि वैसी राशि को कहा जाता है जो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होता है या किसी पर निर्भर नहीं होता है जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो पॉइंट ए से ठीक है चल करके आता है पॉइंट बी तक तो इसने कुछ लंबाई तय किया तो इस लंबाई को अगर हम लोग लिखना चाहें तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है पाँच मीटर तो हमने इसको क्या लिखा मीटर में लिखा तो मीटर क्या है स्वतंत्र यह किसी पर डिपेंड नहीं है क्योंकि ये सिंगल है ठीक है इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि हम कह दें कि ये जो कोई व्यक्ति है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला ये चला मान लीजिए एक सेकंड में पाँच मीटर तब यहाँ पर टाइम भी मेंशन कर दिया गया मीटर भी मेंशन कर दिया गया तब ये स्वतंत्र नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कहलाएगा पाँच मीटर पर सेकंड। अब ये जो राशि है आपका मीटर पर भी डिपेंड कर रहा है सेकंड पर भी डिपेंड कर रहा है तो मीटर प्रति सेकंड जो है ये आपका व्युत्पन्न राशि है क्यों क्योंकि इसमें दो आधारी राशि आ गया तो जो आधारी राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे कहा जाता है व्युत्पन्न राशि और जो राशि स्वतंत्र होती है उसे कहा जाता है आधारी या मूल राशि ठीक है तो समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि जो दो प्रकार के होते हैं आधारी वैसी राशि को कहा जाता है जो स्वतंत्र माना जाता है छठा क्वेश्चन वही है कि वैसी राशि जिसे स्वतंत्र माना जाता है क्या कहलाता है आधारी राशि और जो राशि स्वतंत्र नहीं होती है आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है व्युत्पन्न राशि कहा जाता है नेक्स्ट है एफ़ पी एस पद्धति का पूरा नाम क्या है तो देखिए अलग अलग जगहों पर मापन के लिए अलग अलग पद्धति का यूज किया जाता है ठीक है इंडिया में कुछ अलग अदर कंट्री में कुछ अलग ठीक है तो उसी पद्धति में एक आता है एफ़ पी एस पद्धति तो इसका पूरा नाम पूछा गया है तो इसका पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड क्या होता है फुट पाउंड सेकेंड होता है तो याद रखिएगा हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछ ले कि एफ पी एस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है तो फुट पाउंड सेकेंड होता है ठीक है नेक्स्ट है सी पद्धति सी पद्धति को कहा जाता है क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड ठीक है यह भी याद रखेगा सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड कहा जाता है सी पद्धति को ठीक है आपने सी पद्धति भी बहुत बार सुना होगा उसी दरमियान एक और आता है एम पद्धति एम पद्धति का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड ठीक है तो ये पूरा नाम याद रखेगा बहुत बार हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ले कि एफ पद्धति का तो फुट पॉइंट सेकेंड सीज से पद्धति का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एम पद्धति का मीटर किलोग्राम सेकंड अगला है आधारी राशियों की संख्या कितनी है तो आधारी राशियों की संख्या सात है ठीक है नेक्स्ट है ऐसा यूनिट का पूरा नाम क्या होता है तो देखिए ऐसा यूनिट का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट क्या सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट ठीक है देखिए सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट जो है ये सबसे पहले 1960 में इसको स्टार्ट किया गया था ठीक है लेकिन इसमें 1971 में एक और राशि जोड़ी गई थी 1960 में जो था 1960 तक अगर हम बात करें तो कुल जो था छः आधारी राशियों की संख्या थी 1960 तक ठीक है और इसी समय ऐसा पद्धति स्टार्ट हुआ था कब 1960 में लेकिन पूर्ण रूपेण अगर बोला जाए कि ऐसे पद्धति कब अस्तित्व में आया था तो वो हुआ था उन्नीस सौ इकहत्तर में क्यों क्योंकि उन्नीस सौ इकहत्तर में सातवां जो आधारित राशि है उसको इनकलेट करा गया था तो कौन तो पदार्थ का परिमाण किसको ऐड करा गया था पदार्थ के परिमाण को तो पदार्थ का परिमाण जो होता है उसका ऐसा यूनिट, क्या, तो उसका यूनिट होता क्या होता है तो उसका ऐसा यूनिट होता है मोल क्या होता है मोल होता है तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा ही पद्धति कब अस्तित्व में आया उन्नीस सौ इकहत्तर में ठीक है ऐसा ही पद्धति कितने प्रकार के हैं दो आधारी और संपूरक और संपूरक राशियों की संख्या कितनी है तो संपूरक राशियों की संख्या दो है समतल कोण और घन कोण समतल कोण का अगर मान लेते हैं ऐसा यूनिट पूछता है तो याद रखिएगा समतल कोण का ऐसा यूनिट होता है रेडियन क्या होता है रेडियन और अगर आपसे पूछ ले घन कोण घन कोण को ठोस कोण भी कभी कभी बोल दिया जाता है तो घन कोण या ठोस कोण का जैसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एसटे रेडियन एसटे रेडियन याद रखिएगा ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है समतल कोण का ऐसा यूनिट रेडियन और घन घनक का स्टेरेडियन नेक्स्ट है लंबाई का ऐसा ही मात्रा क्या है मीटर है द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है किलोग्राम के जी एस संकेत है समय का ऐसा मात्रा क्या है सेकेंड एस इसका संकेत है या इसको कभी कभी एस ई सी भी लिख दिया जाता है ठीक है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर है ताप का ऐसे मात्रक कैलविन है ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक कैंडेला और पदार्थ के परिमाण का ऐसा मात्रक मोल और यही जो है मोल इसको जोड़ा गया था उन्नीस सौ इकहत्तर ईस्वी में ठीक है ऐसा यूनिट के रूप में यानी यूँ कह लें आधाढ़ी राशि के रूप में एक मिलीमीटर का मान कितना होता है ठीक है तो देखिए आपने मानक उपसर्ग भी पढ़ा होगा जैसे मान लीजिए कि आपको लंबी दूरी तय करनी हो अगर मान लेते हैं कि आपको पाँच किलोमीटर का डिस्टेंस डिस्टेंस लिखने को बोला जाए तो आप इसको पाँच किलोमीटर या पाँच हज़ार मीटर ईजिली लिख लीजिएगा लेकिन जब काफ़ी लंबी दूरी होती है तब तो उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसके लिए क्या किया गया एक मानक उपसर्ग बना दिया गया ठीक है तो मानक उपसर्ग की बात करें तो एक मिलीमीटर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है टेन इन प्लस थ्री मीटर होता है ठीक है या दस पर पावर माइनस तीन आप इसको ऐसे याद रख लो ठीक है दस पर पावर माइनस तीन ठीक है दस पर पावर माइनस छः दस पर पावर माइनस नौ दस पर पावर माइनस बारह दस पर पावर माइनस पंद्रह और दस पर पावर माइनस अठारह ठीक है तो इसको कैसे याद रखोगे ये हो जाएगा मिली ठीक है ये हो जाएगा मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो ठीक है इस तरीके से आप याद रख सकते हैं यानी है? है? मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो ठीक है टेन इनवर्स थ्री को कहा जाएगा मिली टेन इनवर्स सिक्स इन को कहा जाएगा माइक्रो टेन इनवर्स नाइन को नैनो टेन इनवर्स ट्वेल्व को क्या कहा जाएगा पीको और टेन इनवर्स फिफ्टीन को क्या कहा जाएगा फेमटो और टेन इनवर्स एटीन को क्या कहा जाएगा एटो कहा जाएगा तो भाई यहाँ पर एक मिलीमीटर mm का वैल्यू कितना होता है तो टेन इनवर्स थ्री मीटर होता है ठीक है एक माइक्रोमीटर का पूछ लेगा तो थ्री इनवर्स सिक्स एक नाइनो का थ्री इनवर्स नाइन ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ लिए इसके लिए इसको याद रखिएगा एक पीकोमीटर का वैल्यू टेन इनवर्स ट्वेल्व एक फेम्टो का वैल्यू टेन इनवर्स फिफ्टीन और एक एटोमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स तीन मीटर नेक्स्ट है एक किलोमीटर का मान कितना होता है एक किलोमीटर का आप कैसे लिख सकते हैं एक हज़ार मीटर बस इसी को एक हज़ार मीटर को दस पर पावर तीन मीटर कर दिया ठीक है तो वही है एक किलोमीटर का वैल्यू दस पर पावर तीन मीटर एक मेगा मीटर का वैल्यू दस पर पावर माइ दस पर पावर छः मीटर गीगा मीटर एक गीगा मीटर का वैल्यू दस पर पावर नौ एक टेरा मीटर दस पर पावर बारह और एक पेटा मीटर दस पर पावर पंद्रह और एक एक्सा मीटर आता है दस पर पावर अठारह इसको भी आप याद रख सकते हैं किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा कैसे किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं दस पर पावर तीन दस पर पावर छः दस पर पावर नौ दस पर पावर बारह दस पर पावर पंद्रह और दस पर पावर अठारह आप तीन दिन का सीक्वेंस याद रखिएगा हो जाएगा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा ठीक है किलो मेगा गीगा गीगा को कभी कभी जीगा भी लिखा जाता है और टेरा पेटा एक्सा जिस तरीके से मिली माइक्रो नैनो पीको फे हम टोटो था उसी प्रकार से यह भी है ठीक है वहाँ पर था इनवर्स में लेकिन यहाँ पर प्लस पावर है क्या हो जाएगा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा ठीक है चलिए आगे है क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है अब देखिए क्षेत्रफल जो है एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है आप कहिएगा कैसे तो किसी भी अगर मान लेते हैं कोई भी आ, एरिया दिया गया है कोई भी क्षेत्र दिया गया और उसका बोलेगा अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्षेत्रफल जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है लंबाई गुने ऊँचाई का ठीक है क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने ऊँचाई का प्रयोग किया जाता है कब जब टू डी होता है थ्री डी जब होगा थ्री डी अगर आकृति होगा तो उसमें एक चौड़ाई जुड़ जाता है ठीक है तो लंबाई लंबाई किस में होगा किसी न किसी मीटर में ही होगा तो मीटर इंटू ऊँचाई भी किस में होगा मीटर में ही होगा तो मीटर तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर ठीक है तो क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है घनत्व की बात कर लें तो घनत्व का जो वैल्यू होता है तो घनत्व इज़ इक्वल्स टू होता है क्या द्रव्यमान बट्टा आयतन क्या होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट हो जाएगा के और आयतन का क्या हो जाता है एम क्यू ठीक है तो के मीटर प्रति क्यूब इसका आंसर हो जाएगा दाब का ऐसा मात्रक अब देखिए दाब क्या होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है हालांकि कभी कभी दाब का ऐसा मात्रक आपका पास्कल भी दे देता है संकेत पीए होता है यहाँ पर क्या हो गया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को यानी कि बल प्रति एकांक यानी कि नीचे आएगा तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल नीचे आएगा आपका ठीक है तो ये होता है आपका दाब ठीक है तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बर्फ़ का गलनांक कितना होता है तो जीरो डिग्री सेल्सियस या दो सौ तिहत्तर कालबिन जीरो डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के रूप में यह कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जल इसीलिए इसका जो गलनांक हो जाएगा वो जीरो डिग्री सेल्सियस जल का कोथनाक कितना होता है यहाँ पर मिस प्रिंट है यहाँ पर क्या जल का तनक, जो होता है वो सौ डिग्री सेल्सियस होता है कितना सौ डिग्री सेल्सियस होता है अगला है ऊर्जा का कैसे मात्रक क्या है तो ऊर्जा का मात्रा मात्रक होता है जूल ठीक है ऊर्जा का कैसे मात्रक क्या होता है जूल और कभी कभी सी वैल्यू पूछ लेता है तो सी वैल्यू याद रखेगा कैलोरी और सी वैल्यू में ही ऊर्जा को का जो माप की जाती है वह सी वैल्यू में ही की जाती है यानी उसमा ऊर्जा जो होता है उषमा को मापा जाता है कैलोरी में ठीक है एक कैलोरी का वैल्यू कितना होता है तो एक कैलोरी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका फोर पॉइंट वन एट सिक्स के करीब होता है ठीक है तो ये वन एट सिक्स जो है तकरीबन आपका दो के करीब है इसीलिए इसका वैल्यू जो होता है वन पॉइंट टू लिया जाता है ठीक है एक इंच में कितने सेंटीमीटर होता है तो एक इंच में होता है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है आगे है किसी राशि के विवरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कोई भी राशि उसको उसके विवरण के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है एक तो संख्यात्मक मान और एक मात्रात्मक मान जैसे मैंने बताया था कि आप दुकानदार के पास जाओगे तो ये नहीं कहोगे कि मेरे को सिर्फ चावल चाहिए उसको आपको मात्रा बताना पड़ेगा ठीक है तो आप अगर जाते हो चावल लाने तो आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई मेरे मेरे को दो लीटर चावल चाहिए क्योंकि लीटर में तो चावल आता नहीं हमको कहना पड़ेगा के ठीक है तो दो संख्यात्मक मान हो गया और के क्या हो गया मात्रक हो गया उसी प्रकार से मान लेते अगर दूध लेना हो तो दो लीटर हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे दो लीटर तो यहाँ पर भी दो संख्यात्मक मान हो गया और लीटर जो हो गया मात्रात्मक मान हो गया तो कोई भी राशि है उसको व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी एक संख्यात्मक मान की और एक मात्रात्मक मान की नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है तो एक एंगस्ट्रम का मान हो जाएगा आपका दस पर पावर माइनस तीन मीटर ठीक है कितना हो जाएगा दस पर पावर माइनस तीन मीटर जो होता है एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है और एंगस्ट्रम तरंग तरंग जो होता है उसको एंगस्ट्रम में मापा जाता है ठीक है तो पैंतालीस प्रश्न थे उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारा इंपॉर्टेंट है आप इसको एक कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए या इसका पी के लिए आप टेलीग्राम चैनल टी टेन स्टडी सर्च कीजिएगा वहाँ पर आपको इसका पी मिल जाएगा ठीक तो है तो यह श्रृंखला जारी रहेगा नेक्स्ट जो है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आएगा आपका मोशन एक्सेलरेशन वगैरह चैप्टर जो होता है उसी से अगला प्रश्न अगला वीडियो आएगा जिसमें आपका लगभग लगभग पचपन प्रश्न होंगे और सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद